गाइस, आज हम आए हुए हैं सेक्टर 18 की मार्केट में, जो कि नोएडा में है। और इतनी बुरी हालत है यहाँ पे, इतनी भीड़ हो रखी है। मुझे दिवाली के लिए कुछ सामान लेना था, तो मैं वही लेने आई हूँ। यहाँ पे देखती हूँ कितने की है भैया। भैया कितने की है ये? ये कितने की है? 350 की। भाई इतनी महंगी महंगी वो दे रहे हैं ना, झालर टाइप से मुझे चाहिए थी, इतनी महंगी तो नहीं लेने वाली। ये देख रहे हो आप कितनी कितनी ज़्यादा भीड़ रखी है रोड पे, ऐसे जाम लगा हुआ है गाड़ियों का, निकलने तक की जगह नहीं है। रंगोली कलर्स भी हैं यहाँ पे, ये देखो ये लाइट्स, यहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ है ये पूछती हूँ एक बार। भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है ना हाथ वाली, बहुत बुरा हाल है भाई। जैसे तैसे ये देखो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स भी हैं, लोग इतना ज़्यादा सामान ले रहे हैं। मैंने अभी ये बैग लिया है 100 रुपीज़ का, ये देखो पूरा डेकोरेशन हो रखी है चारों तरफ। मैं सामान कैसे लूँगी अभी, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें लेनी है यार। रोड तो ऐसा लग रहा है लोगों ने छोड़ ही नहीं रखा है। किधर से निकलो भाई किधर, तो फ़ोन भी बचा के रखना पड़ रहा है, पता चले ब्लॉग बनाने के चक्कर में फ़ोन भी गया मेरा। ओके, मुझे झुमके भी चाहिए होंगी, अपना एक टॉप है जो मुझे दिवाली पे पहनना, तो मैं झुमके देख लेती हूँ। यहाँ पे ना 50 रुपीज़ की मिल रही है सारी झुमकी इयर रिंग्स वगैरह, तो ये मुझे काफ़ी सही लग रही है। मैं यहीं से देख लेती हूँ, कुछ सही सा मिल जाए तो सही मिल रहा है यहाँ पर। चलो भाई आगे और बढ़ते हैं, देखती हूँ यहाँ पे क्या क्या है। तो ये यहाँ पे पूजा का सामान मिल रहा है, तो मैं सोच रही हूँ अपने मंदिर के लिए यहाँ से चुन्नी देख लेती हूँ भगवान जी के मंदिर में बिछाने के लिए। तो सही लग रहा है मुझे ये भी, ये भी देख लेती हूँ। ये पन्नी में डाल दोगे ना? ये कितने का भैया? 120। ये जो भैया दिखा रहे हैं पूरा, ये मैंने लिया 200 का, वो ही बहुत ज्यादा बार्गेनिंग कर रहा था। थैंक यू भैया, बढ़िया सही ले रही हूँ। ये शॉप वाले भैया बोल रहे थे कि इसका ना सही से वीडियो ले लो मैम, अच्छे से बनाना, तो मैं वही वीडियो पूरा बनाने लग गई थी। आगे मैं आपको और दिखाती हूँ, भीड़ तो इतनी ज़्यादा हो रखी है कि पैदल चलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। और आगे बढ़ती हूँ, ये लाइट की शॉप काफ़ी अच्छी लग रही है, चलो यहाँ पर भी देखते हैं। और आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या क्या है, रंगोली कलर्स भी हैं काफ़ी सही, यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे रंगोली कलर्स भी। चलिए अब मैं आपको ना अंदर साइड लेके चलती हूँ, ये अंदर अंदर की मार्केट है। अभी मैं रोड साइड आपको सारा दिखा रही थी, ये अंदर साइड में ना और ज़्यादा भीड़ होती है। अगर आप कभी सेक्टर 18 अट्टा की मार्केट गए होगे तो आपको पता होगा, ये इतनी पतली रोड पे ना इतनी बुरी भीड़ होती है। ये लेफ्ट हैंड साइड देखो, चूड़ी बहुत सारी लगी हुई है, तो यहाँ निकलना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं घुस तो गई हूँ यहाँ पर, आई डोंट नो मैं आगे निकलूँगी कैसे जाके। हालाँकि मुझे इस साइड से ऐसा कुछ लेना नहीं था,
जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो तो रोड साइड ही लगी हुई हैं, बट मैंने सोचा ठीक है मैं अंदर आके ना एक बार दिखाती हूँ आपको भी कि क्या क्या है यहाँ पे। कपड़े वगैरह मिल जाते हैं सस्ते, तो आप कभी अगर आते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, साइड से सारे लगे रहते हैं कपड़े, और राइट हैंड साइड में ये सारी शॉप्स हैं, तो आप शॉप्स पे जाके भी देख सकते हो अगर आपको कुछ देखना है। आप देख सकते हो यहाँ पे ना लोग इतना ज़्यादा भीड़ होती है ना कि निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और मैंने तो अपना फ़ोन भी ऐसे बचा के रखा हुआ है किसी का धक्का ना लग जाए और नीचे गिर जाए। इतनी भीड़ मार्केट में ना कुछ लेना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बट ठीक है मैं आपको दिखा रही हूँ और आगे चलते हैं। आगे मैं लाइट्स वगैरह भी देख लेती हूँ, अगर मुझे सही मिल गई तो मैं लाइट भी ले लूँगी कुछ मंदिर में सजाने के लिए, और थोड़ा सा ऐसे अपने घर में जाके लगा दूँगी ये यहाँ पे। ओके ये लाइट्स ना बड़ी अच्छी लग रही हैं, ये वाली कितने की है, ये कितने की है भैया? ये 150 की बता रहे हैं, और मैं देख लेती हूँ और क्या क्या है। ओके नीचे ये जो फ्लावर जैसा रखा हुआ है इसमें पानी डालते ही ये जलता है, ये भैया ने बताया 100, नहीं ये भी 150 का है। तो भाई सामान तो मैंने ले लिया जो जो मुझे चाहिए था, ज़्यादा तो नहीं लेना था, बस थोड़ा बहुत ही चाहिए था। अब देखती हूँ कहाँ चलना है, मैं उस साइड क्रॉस करती हूँ। ओके अब मैं आ गई हूँ GIP मॉल, और मेरे को देखना था कुछ एथनिक, बट ये एथनिक जैसा लग नहीं रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा एक टॉप ले लेती हूँ, उस पर मैं बड़े बड़े झुमके डाल लूँगी, तो ये टॉप मुझे थोड़ा सही सा लगा। एक ये टॉप भी है बट ये भी काफ़ी नॉर्मल सा ही है, इसके अंदर मैं पैंट ट्राई कर सकती हूँ, बट अभी मैं जीन्स पे ही देख रही हूँ इसको। अगर इसके साथ प्लाजो लेती हूँ तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा, सीरियसली प्लाजो तो मेरे ऊपर अच्छे लगते ही नहीं है बिल्कुल भी। ओके ये दूसरा प्लाजो है, ये थोड़ा फिर भी ठीक लग रहा है उसके कंपैरिजन में जो पहले वाला प्लाजो था, बट ये परफेक्ट, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट इस पर भी मुझे प्लाजो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वही है प्लाजो मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो मैं सोच रही हूँ इसको जीन्स के साथ पहन लूँगी और बड़े बड़े झुमके डाल लूँगी इस पर, थोड़ा सा लुक आ जाएगा इस पर। मैंने झुमके भी लिए हैं मार्केट से। ओके फाइन मैं इसी को डन कर लेती हूँ, और दिवाली वाला मैं वीडियो अलग से बनाऊँगी, तो मैं आपको पूरा दिखाऊँगी मैं कैसे रेडी होने वाली हूँ। मार्केट भी घूम ली, कपड़े भी देख लिए, अब मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, टाइम भी बहुत हो गया, तो ऑब्वियसली घर जाके तो हिम्मत नहीं बची कुछ बनाने की, तो फिर अब मैं यहीं से कुछ खा के जाऊँगी, देखते हैं बर्गर वगैरह खा के फिर घर चलते हैं। करी थी मील तो मेरे पास आया फ्रेंच फ्राइज बर्गर एंड कोल्ड ड्रिंक। जब आप शॉपिंग करने जाते हो और आपको अपनी मन की चीज़ें मिल जाए, फिर उसके बाद आप अपना फेवरेट खाना भी खाते हो, जो आपको पसंद है वो खाते हो, तो फिर उसका मज़ा ही अलग हो जाता है, एंड अकेले कुछ भी खाने का तो और ही मज़ा होता है। सीरियसली मुझे अपनी कंपनी एंजॉय करना बहुत पसंद, स्पेशली जब मैं शॉपिंग करने जाती हूँ, सामान लेने जाती हूँ, और जब मैं थक जाती हूँ सामान लेके, फिर मैं कुछ अच्छा सा खाती हूँ, फिर मैं इतना अच्छा हो जाता है, सीरियसली आपको बता नहीं सकती। फाइनली घर पे आ गई हूँ, एंड सामान जो भी लेना था मैंने ले लिया, ज़्यादा सामान नहीं लेना था बिकॉज़ यहाँ तो मैं वैसे ही दिवाली नहीं मनाऊँगी, अपने होम टाउन जाऊँगी अपने घर पे। तो फाइनली ये रहा मेरा पूरा बैग, बट इस बैग में बहुत सारा सामान नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें जो ज़्यादा ज़रूरत की थी वो मैंने ले ली हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक ये ली है, इसको मैं बिछाऊँगी अपने ये जो मेरा मंदिर है यहाँ पे, क्योंकि मेरे भगवान जी ऐसे ही रखे हुए हैं, तो मैं इसको बिछा दूंगी। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ और मैंने ली थोड़ा डेकोरेशन का सामान, और मैंने लिया ये डेकोरेशन का सामान जिसमें एक गेट पे लगाने वाली वो क्या बोलते हैं उसको, झालर टाइप से, वो मैंने लिया है।
और ये साइड से टांगने के लिए है, कुछ ऐसे आई डोंट नो ऐसे कुछ आएगा, हाँ ऐसे ये टंगेगी साइड से। ये तीनों चीजें मुझे पड़ी है सिर्फ 200 की, और मैंने लिए ये रंगोली कलर्स, ये है सिर्फ 100 के, 1 2 3 4 5 ये है 10 कलर्स, एंड कैन यू बिलीव इट ये सिर्फ 100 के पड़े। भैया ने ये मुझे बताए थे 150 की कुछ, बट मैंने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करी तब जाके उन्होंने ये 100 में दिया है, तो ये भी मुझे काफ़ी सही मिल गया। उसके बाद और भी रंगोली कलर्स हैं, ये भी पड़े हैं मुझे 100 के। मैं पहले सोच के गई थी मैं इससे ज़्यादा कलर नहीं लेने वाली, और मैं 100 से ऊपर तो बिल्कुल नहीं लूँगी, और इसमें मुझे बहुत सारे कलर मिले हैं, तो ये पूरे 15 कलर मुझे पड़े हैं ये सिर्फ 100 के। इसके अलावा मैंने खरीदी अपने लिए झुमकी, वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड आप रुकना। ये झुमकी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, ये झुमकी मैंने ली है और ये सिर्फ पड़ी है मुझे 50 रुपीज की। तो ये था मेरा पूरा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड सीरियसली बता रही हूँ बहुत भीड़ हो रही है मार्केट में बहुत ज्यादा, तो अगर आपको भी शॉपिंग करनी है तो आप पहले ही करके आ जाओ, बिकॉज एंड टाइम पे अगर आप शॉपिंग करने जाओगे तो आपकी हालत बहुत बुरी होने वाली, स्पेशली अगर आप ऐसी मार्केट्स में जाते हो, और ऐसा नहीं है मॉल वगैरह में बहुत भीड़ हो रही है। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, एंड बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना, सो दैट जब भी फ्यूचर में वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।